हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रविंद्र मॉनिटर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आईडी से नरेगा जॉब कार्ड किस तरह से बना सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है नरेगा, उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी narega.nic.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे मनरेगा योजना का ऑफिशियल डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में देखने को मिलेगा डेटा एंट्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। डेटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी राज्यों की लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य को यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन पेज आएगा, जिसमें आप अपने ग्राम पंचायत मनरेगा की आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर यानी 2023 और 24 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालकर नीचे कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें लिखा होगा ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री। तो इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा देखने को, रजिस्ट्रेशन एज जॉब कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे नॉट लिंक विद बीपीएल डाटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। इस फॉर्म को आपको भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद आपको उस लाभार्थी का नाम डाल देना है जिसके नाम से आप जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके पिता का नाम या पति का नाम डाल देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो उसका जॉब कार्ड नंबर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आपको सजेस्ट किया जाएगा। जॉब कार्ड नंबर में आप 8556 यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर इनका रहने वाला है, तो आप यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे कंफर्म, अगर आपको नहीं पता है कि अगर ये लगता है कि किसी और का जॉब कार्ड नंबर रहने वाला है, तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी में से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ए रख लेता हूँ, 1456 ए, ये मेरा एक जॉब कार्ड नंबर रहने वाला है। उसके बाद आपको कैटेगरी में यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको पंजीकरण की तिथि डाल देनी है। अगर आपको अपना मकान संख्या पता है तो यहाँ पे डाल दें। पंजीकरण तिथि मतलब जो जिस दिन आप जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है क्या बीपीएल परिवार से हैं। अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो यस करें, वरना नो पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे चले आना है और यहाँ पे आवेदक का नाम डालेंगे जिस नाम से आप बना रहे हैं। उसके बाद आवेदक का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर। उसके बाद आवेदक की आयु सेलेक्ट करेंगे। आयु डालने के बाद यहाँ से उसकी विकलांगता को दर्शाएंगे। अगर लाभार्थी विकलांग है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो यहाँ पे लाभार्थी स्वयं है तो यहाँ पे सेल्फ को क्लिक कर दें। उसके बाद फैमिली में अगर
और भी नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम आप डालकर उसका जेंडर सेलेक्ट करके आयु डालकर और यहाँ पे उसका रिलेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेप का, आपको शेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। शेप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नंबर इज, तो आपका ये जॉब कार्ड नंबर रहने वाला है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पर टैप कर देना है। सो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।